सभी का आपके अपने चैनल आरपीएस समाचार में। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की कुछ खास खबरों के साथ। सस्ते टमाटर पाने के लिए हुई छीना झपटी, टूटा मोबाइल, लगी चोट। वीडियो। लखनऊ में सस्ते टमाटर पाने के लिए टमाटरों का विक्रय कर रही वैनों पर लोग टूट पड़े। एक काउंटर और अधिक भीड़ होने की वजह से आपस में छीना झपटी मच गई। चूंकि पुलिस मौके पर उपलब्ध नहीं थी, इसलिए लोगों में आपस में बहस और धक्का मुक्की भी देखने को मिली। कुछ छोटे मोटे झगड़े भी टमाटर पाने के लिए हुए। पॉलिटेक्निक चौराहे के पास लगी टमाटर वैन में भी यही हालात दिखे। एक परिवार के कई कई लोग लाइनों में खड़े दिखे। इस भीड़ में अव्यवस्था फैल गई। पुलिस कर्मी न होने से स्थितियों को संभालने वाला कोई नहीं था। टमाटर खरीद कर निकले लोग प्रसन्न मुद्रा में दिखे। ऐसा लगा कि मानो कोई जंग जीत कर आ रहे हों। मालूम हो कि इन दिनों बाजार में टमाटर 200 रुपए प्रति किलो से ज्यादा कीमत का बिक रहा है। सरकार शहर के अलग अलग इलाकों में वैन लगाकर 70 रुपए प्रति किलो की दर से टमाटर की बिक्री करवाती है। शहर के अलग अलग हिस्सों में टमाटर के यह वैन लगती है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मिलते हैं इसी प्रकार की अगली बड़ी खबर में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आरपीएस समाचार।